कुलधारा गांव में बहुत सारे पलीवल ब्राह्मण थे। उन्हीं में से एक पलीवल ब्राह्मण था वहाँ का सरपंच। कुलधारा गांव के दीवान जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उन्हें शादी करनी थी सरपंच की बेटी से। सरपंच ये बात माने नहीं, दीवान को बहुत बुरा लगा और फिर दीवान ने ये फैसला किया कि उस गांव पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा और पलीवल ब्राह्मणों को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो कहा जाता है कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो उस गांव को छोड़ कर जाएंगे, पर जाते जाते कुलधारा गांव को श्राप भी दे दिया। पलीवल ब्राह्मणों ने ये कहा कि जो भी इंसान उस गांव में उस दिन के बाद रहेगा वो एक बुरी मौत मरेगा। और एक रात उस गांव के जितने भी लोग थे वो डिसअपियर हो गए, चले गए। पर कहा जाता है कि किसी ने भी उस गांव के एक भी सदस्य को उस दिन के बाद नहीं देखा था। यह कुलधारा गांव की मिस्ट्री।